हेलो गाइस, वेलकम टू आरएस अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का टॉपिक लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशंस में जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो एक्सरसाइज 8A से करेंगे और 8A के सारे क्वेश्चंस को करेंगे, 1-2 आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं करेंगे। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पहले 10 क्वेश्चंस की, यानी कि 1-10 क्वेश्चंस की कैसे सॉल्व करना है। इस वीडियो को देखिए, बेस समझिए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, कैसे जब एक्स या वाई वगैरह हमारे साइड चेंज करते हैं तो वो करते हैं। फिर जब हम 11-20 वाले वीडियो में पहुंचेंगे तो अपने आप आपको चीजें समझ में आने लगेंगे और फटाक से आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। देखिए तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, आपसे कह रहा है 8x plus 3 is equal to 27 plus 2x। अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर उठाया, देखिए ठीक है, यहाँ पर लिखा 8x, ये 2x जो है हमारा साइड चेंज करेगा। जब इधर साइड ये प्लस 2x था तो जब ये लेफ्ट साइड जाएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस 2x आपका बन गया माइनस 2x इक्वल टू। अब हमारे पास 27 इधर पहले था राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हमको 3 दिख रहा था जो कि प्लस 3 था। अब ये प्लस 3 जब अपनी साइड चेंज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस 3 बन जाएगा। तो यहां पर ये हो गया 8 माइनस 2 यानी कि 6x इज इक्वल टू 27 माइनस 3 इज इक्वल टू 24। सो अब x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 24 माइनस 6 दैट इज 4। सो हमारी x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4। ये हमारा हो गया पहला आंसर, ठीक है, इजी था क्वेश्चन। चलो अगला ये है, 5x plus 7 is equal to 2x minus 8, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, इसको करने के लिए सेम वही, ये x इस राइट हैंड साइड पे है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, 7 को हम राइट हैंड साइड पे लाएंगे। तो हमने लिखा 5x और 2x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए तो प्लस का 2x आपका माइनस 2x बन गया। इधर माइनस 8 हमारे पास पहले से है और वो प्लस का 7 था तो वो जब साइड चेंज करेगा तो वो माइनस 7 बन जाएगा। सो अब ये हो गया 5 माइनस 2 दैट मींस 3x एंड 3x इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 7 इज माइनस 15। सो दिस बिकम्स माइनस 15। नाउ वी डिवाइड माइनस 15 बाई 3 एंड वी गेट द आंसर माइनस 5। सो फॉर दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ x विल बी माइनस 5, ठीक है। अभी इजी थे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 2z माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस z। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए तो 2z माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस z उधर चेंज करेगा तो प्लस z हो जाएगा, और ये 14 और ये जब 1 इधर आएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3z इज इक्वल टू 15 और z की वैल्यू हो गई 15 बाई 3 यानी कि 5, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का भी, ओके। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है 9x plus 5 इज इक्वल टू 4x minus 2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, साइन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। चलो तो यहां क्या हुआ, 9x plus 5 इज इक्वल टू 4x minus 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, 9x 4x साइड चेंज करेगा तो वो माइनस 4x हो जाएगा, और इधर माइनस 8 और 5 इधर आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। सो ये 9x में 4x गया तो ये हो गया 5x और ये हो गया माइनस 13। सो x की जो वैल्यू आई वो क्या आई, माइनस 13 बाई 5, ठीक है। यहां पर वैसे हो सकता है शायद यहां पर कुछ छूटा रहा हो, अगर छूटा था तो उसको आप वैल्यू को रख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से शायद आंसर क्वेश्चन इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 7y by 5 is equal to y minus 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो यहां पर हमको सिंगुलर y दिख रहा है, उसको हम साइड चेंज करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 7y by 5 minus y is equal to minus 4 हो जाएगा। अब यहां पर हमने 5 ले लिया LCM तो 5 डिवाइड करेगा 5 को 1, 1 into 7y is equal to 7y minus, अब ये y है तो इसको y by 1 बोल सकते हैं, अगर y है तो y y 1 बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू तो सेम होगी, करेक्ट। सो 1 into 5, अगर 1 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y इज इक्वल टू माइनस 4। सो यहां पर ये बना 2y by 5 इज इक्वल टू माइनस 4 हो गया, 7y में 5y गए तो 2y बचे। सो 2y by 5 इज इक्वल टू माइनस 4। अब क्या होगा,
यहां पर इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, सी ए बन जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू माइनस 20। सो y की अगर वैल्यू देखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 20 बाई 2, दैट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन ऐसे ही बस खिसकाते चल रहे हैं। ठीक है, अभी जब आएंगे बढ़िया क्वेश्चन तो उनमें किया जाएगा। चलो अब यहां पर देखो तो 3x plus 2 by 3 is equal to 2x plus 1। So, यहां पर क्या किया, 3x और 2x की साइड चेंज होगी तो वो माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 by 3। ठीक है, 2x की साइड चेंज हुई तो वो माइनस 2x हो गया और 2 by 3 की साइड हुई चेंज तो वो माइनस 2 by 3 हो गया। अब 3x में 2x गया तो ये हो गया x, और यहां पर देखो तो 1 है, 1 माइनस 2 बाई 3, तो इसको 1 बाई 1 बोल सकते हैं। तो 1 बाई 1 और 2 बाई 3 में जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3। तो 1 को 3 से डिवाइड किया 3 आया, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। 1 को 3 से डिवाइड किया 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। सो यहां पर x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाई 3। So, ये आपके आ गए क्वेश्चन नंबर 6 की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 ने देखिए बोला है 15y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 9 प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो अब इसको पहले ओपन करेंगे सारे ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स ओपन किया तो पहला क्या बना, 15y, ठीक है, माइनस 15 इंटू 4 60। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहां पर माइनस 4 था, तो 15 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 60। ठीक है, माइनस 2 इंटू वाई हो गया 2y। ठीक है, और ये माइनस 2 और माइनस 9, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है प्लस, तो माइनस 2 इंटू माइनस 9 बन गया आपका प्लस का 18। ठीक है, आगे बढ़े तो ये हो गया 5y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो तो 15y है, 2y है और 5y है। ठीक है, तो 15 प्लस का है और 5 प्लस का है, तो 15y प्लस 5y हो गया आपका 20y। 20y में अगर आपका 2y चला गया तो आपके पास कितने बचे, आपके पास बचे 18y प्लस के। ठीक है, आगे देखो, अब हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, माइनस 60, 80, 18 और 30। तो अगर इस 30 और 18 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 13 को ऐड किया 18 में तो ये हो गया 48 प्लस का 48। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास नंबर है माइनस 60 और दूसरा नंबर है प्लस का 48। तो यहां से कितना निकलेगा, यहां से वैल्यू आएगी माइनस 12। करेक्ट, तो हमने क्या किया कि माइनस 12 वैल्यू को सीधा सीधा रख दिया, तो 18y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो 18y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 12 बाई 18। ठीक है, अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा, 6 टू जा 12 एंड 6 थ्री जा 18। सो y की जो वैल्यू आई वो आ गई 2 बाई 3, और ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन हमारा ये है, 3 5x माइनस 7 माइनस 2 9x माइनस 11 इज इक्वल टू 4 8x माइनस 13 माइनस 17। चलो सॉल्व करते हैं, तो वापस से वही ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 इंटू 5 हो गया ये 15x माइनस, क्योंकि यहां माइनस दिया था, और 3 इंटू 7 हो गया 21 माइनस 2 इंटू 9 हो गया 18x और ये माइनस 2 और माइनस 11 का हो गया प्लस 22 हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस और 2 इंटू 11 22, ये इक्वल है आपके 4 इंटू 8 हो गया 32x माइनस 13 इंटू 4 हो गया आपका 52 माइनस 17। ठीक है, अब इसको चलो देखते हैं सॉल्व करके, तो यहां पर देखो क्या हुआ, 15x है और माइनस 18x है, तो माइनस 18x से अगर 15 गया तो कितना होगा, माइनस 18 से 15 गया तो कितना बचा, ये बचा हमारे पास माइनस 3x। करेक्ट, यहां पर माइनस 21 है और प्लस 22 है, तो प्लस 22 से माइनस 21 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड खत्म। राइट हैंड साइड पे आए तो यहां पर देखिए ये है 32x, माइनस में आए तो यहां पर 52 और 17 है,
तो 7 प्लस 2 आपका हो गया 9 और 5 प्लस 1 हो गया आपका 6, यानी कि माइनस 52 और माइनस 17 को ऐड किया तो ये बन गया माइनस 69, ठीक है। अब क्या होगा, इस 32 को साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस 3x और ये प्लस का 32x था, ये जब ये साइड चेंज करेगा तो ये माइनस का 32x हो जाएगा इक्वल टू माइनस 69 माइनस 1। सो अब अगर इसे ऐड करेंगे तो 32 और 3 क्या हो जाएगा आपका माइनस 35x इज इक्वल टू माइनस 70। अब देखो दोनों साइड हमारा माइनस माइनस है, तो या तो ऐसा कर सकते हैं कि दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आएगा, और नहीं तो हम सीधे इसको कट कर सकते हैं। सो माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या आ गया 70 बाई 35। तो 70 बाई 35 की वैल्यू आ गई 2। सो हमारे x की जो वैल्यू इस क्वेश्चन में आएगी वो आ जाएगी प्लस का 2, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन ये है हमारा, x माइनस 5/2 माइनस x माइनस 3/5 इज इक्वल टू 1/2, ओके। अब देखो यहां पर देखो दोनों में हमको डिनोमिनेटर दिया और न्यूमिनेटर में हमारे पास वेरिएबल में x चल रहा है। सो क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम लेंगे। सो 2 और 5 का एलसीएम इजी है, 10 आएगा। सो हमने एलसीएम रख दिया 10। अब हम आगे बढ़े तो क्या किया, 2 डिवाइड किया 10 को तो आया 5, 2 5 टाइम्स 10, तो 5 आ गया, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 से। तो देखो कैसे हुआ, 2 को हमने 2 से डिवाइड किया और 10 को, तो 2 5 10 5 टाइम्स आया, और 5 को हमको मल्टीप्लाई करना है x माइनस 5 से, यानी कि कुछ ऐसा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस 25 बनेगा। तो ऊपर जो हम पहली वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे 5x माइनस 25, ठीक है। चलिए अगली वैल्यू देखो, अगला जब देखा तो 5 से करना है, तो 5 को 5 से 10 को डिवाइड किया तो 2 टाइम्स हुआ, और 2 टाइम्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो अब वो 2 आया है, लेकिन जब वो 2 जाएगा मल्टीप्लाई होने तो यहां पर हमको एक माइनस का साइन भी दिख रहा है। ये देखो, ये आपको एक माइनस का साइन दिख रहा है। इस माइनस के साइन की वजह से हम क्या करेंगे, जो 5 से 10 को डिवाइड किया तो 2 आया था, वो हमारा माइनस 2 बन जाएगा, ठीक है। माइनस 2 और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने के लिए है एक्स माइनस 3, तो ये बन गया हमारा माइनस 2x प्लस 6 बनेगा। माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 और माइनस 3, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया और 2 इंटू 3 6 हो गया, यानी कि यहां पर जो वैल्यू रखी जाएगी वो हो जाएगी माइनस 2x प्लस 6, ठीक है। अब ये सब किसके बराबर है, ये सब बराबर है हमारे हाफ के, यानी कि 1/2, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5x इसमें 2x चला गया तो ये बचा हमारा 3x, ठीक है। माइनस 25 में 6 गया तो कितना बचा, ये बचा हमारे पास 19, इतना ही बचा ना, इक्वल टू। अब इस 10 को हम इधर मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ये 10 इधर मल्टीप्लाई होगा और 2 इधर होगा, तो 2 को अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 10/2 हो जाएगा तो ये इजिली डिवाइड होके 5 बन सकता है, करेक्ट। अगर हम यहां पर देखें तो 2 से 10 को डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने क्या किया कि 2 से 10 को डिवाइड किया, 2 1 2 2 5 10। सो अब हमारी इक्वेशन जो बनी वो बनी 3x-19 इज इक्वल टू 5। सो हम इसको लिख सकते हैं कि 3x इज इक्वल टू 5, 19 अपनी साइड चेंज करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये x इज इक्वल टू 19 प्लस 5 इज इक्वल टू 24 और डिवीजन में आपका 3, ये 3 जो इधर था, 3x is equal to 19 plus 5 मतलब कि 24, so 3x is equal to 24, x is equal to 24/8, ये आ गया आपका 8, so x की जो वैल्यू आई इस क्वेश्चन के लिए वो आई आपकी 8, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो का, 3t-2/4-2t+3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या करना है, इस माइनस टी को उठा के पहले हम साइड चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी कि 3t-2/4-2t+3/3 और ये माइनस टी जब इधर साइड आएगा तो ये आपका प्लस टी बन जाएगा इज इक्वल टू 2/3। अब हमको जो सॉल्व करनी है थ्योरम ये वो ये है हमारी इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन में अगर देखोगे तो ये आपका बाई 4 है, ये बाई 3 है और यहां पर बाई 1 हम कर सकते हैं।
सो अगर 4, 3 और 1 का हम LCM लेंगे तो कितना आएगा? एकदम, क्योंकि 4 और 3 एक दूसरे से किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन ही इनका बनेगा, तो इनका जो वैल्यू आया वो आया 12। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखो तो मैं क्या कर रहा हूं एक एक करके। सो 4 से 12 को डिवाइड किया तो कितना आया? 4 3 टाइम्स 12, है ना, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, तो 3 टाइम्स क्या, तो 4 इंटू 3 12 हुआ, तो 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा किससे? 3t-2 से। अब 3t-2 से होगा तो कितना होगा? ये हो जाएगा 9t-6 बनेगा, 3 into 3 90, 3 into 2 6, तो ये बना हमारा पहला पार्ट 90-6। अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, 3 से 12 को डिवाइड किया तो 4 टाइम्स गया, तो ये हमारे पास आ गया 4, लेकिन हमारे पास यहां साइन में क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है तो ये बन जाएगा -4, करेक्ट है ना, अभी तक तो चला एकदम। 3 into 4 आपका 12 को डिवाइड किया तो 4 टाइम्स गया, लेकिन यहां पर माइनस का साइन था इसलिए वो -4 हो गया, और ब्रैकेट में हमारे पास जिससे मल्टीप्लीकेशन करना है वो है 2t+3। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 into 2 हो गया 8, तो ये हो गया -8t, और माइनस में 4 3 12 हो जाएगा -8t-12, तो हमने लिखा यहां पर -8t-12। ठीक है, अब तीसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। तीसरे वाले पार्ट पे क्या है, 1 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 को जब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 12 को जब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा प्लस का 12t, और ये सब हमारा इक्वल है 2/3 के। ठीक है, अब ऊपर का सॉल्व करते हैं, तो ऊपर का सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 9t है, 8t है और 12t है, सो यहां पर 8t और 90, तो 90 में अगर 8t चला गया तो कितना बचा, 1 बचा, 1t, 9 में 8t चला गया तो 1t बचा पॉजिटिव, अब पॉजिटिव 1t बचा, और हमारे पास यहां पर 12t और थे, तो 12+1 कितना हो गया, ये हो गया 13t। ठीक है, आगे ये -6 है और ये -12 है, सो -6 और -12 को अगर देखेंगे तो क्या लिखेंगे, -18 हो गया, और ये डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 2/3। अब वापस से क्या करेंगे, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, सो ये क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13t-18 इज इक्वल टू 2 into 12 divided by 3 हो जाएगा, 2 into 12 divided by 3, 3 से काटा तो ये हो गया 4, सो 13t-18 इज इक्वल टू 8, सो 13t इज इक्वल टू 18+8, 13t इज इक्वल टू 26। ठीक है, हाँ, 13t इज इक्वल टू 18+8 26, एंड टी इज इक्वल टू 26/13, सो दैट मीन्स टी की वैल्यू आ गई 2, और ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए, सो गाइस ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एक्सरसाइज 8A से। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके पार्ट 2 में, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता चलता जाए और आप लोग उसको एकदम आराम से देखते जाएं। ठीक है, सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे मैथ और साइंस के, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप लोग रेगुलर बने रहिए, रेगुलर वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।